सब चंगा है ना, चंगा ही रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ यार, मस्त रहो, चिल आउट रहो, क्योंकि ये जो खुशियाँ हैं ना, ये बहुत मुश्किल से लाइफ में मिलती हैं। और कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि ये जो खुशियाँ ये हमेशा हमारी लाइफ में बनी रहे। और यही दुआएं मैं हमेशा अपने सारे फ्रेंड्स को देती हूँ। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ अनदर रिव्यू। मेरे चैनल पे मिनी मिनी रिव्यूज आपको कुछ कुछ चीज़ों के दिखाई देंगे, जो कि मैं देख रही हूँ कि आजकल यूट्यूब पे थोड़ा कम दिखने लगा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार एक प्रोडक्ट को अच्छे से रिव्यू करके हम शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो रिव्यू है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। सो ये औरों से वेरी हो सकता है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। सो आज जो प्रोडक्ट है ना उसको रिव्यू करी, और वो इतना मज़ेदार है ना। आज हम एक काजल का रिव्यू करेंगे और जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये। यस, 50 रुपीज का काजल है, और जो कि आई थिंक सबसे सस्ता काजल अभी तक का। और उसका हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या वो वर्थ है और कैसा है, क्या हम यूज करें, ब्ला 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 ब्ला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो काजल कौन सा है। सो दैट काजल जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ब्लू हेवन का काजल। और मजेदार बात यह है, ये काजल है और इसके साथ एक शार्पनर भी फ्री मिल रहा है। वाह, मतलब सोने पे सुहागा दोनों चीजें। और इस दोनों की कॉस्ट 50 रुपीज है, जो कि बहुत कम है। और ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा रीजनेबल हैं और बहुत अफोर्डेबल हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भाई इस काजल का भी रिव्यू करूँ आपके सामने। तो चलिए इस काजल को खोलते हैं और देखते हैं कैसा है ये। सो पैकेजिंग बहुत अच्छी मुझे लग रही है, एकदम सील पैक विद द शार्पनर एंड एवरीथिंग। सो इतनी लो कॉस्ट में काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। तो इसको खोलते हैं। खोलने से पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पीछे लिखी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर लिखा है ऑल ब्लू हेवन काजल आर लेड फ्री। आई मीन दैट इज अमेजिंग, जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। दिस इज लेड फ्री, सो आपकी आईज को कोई हार्म नहीं होने वाला बिल्कुल भी। और ये आई डिफाइनिंग वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ भी है। सो ये कितना स्मज प्रूफ है ये तो हम देखेंगे, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लेड फ्री काजल है। सो इतने अच्छे कॉस्ट पे आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। ये प्रोडक्ट जो है ये मैंने अपने लोकल, ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने अपने एरिया के लोकल शॉप से खरीदा था। ऑनलाइन आई एम नॉट श्योर कि ये अवेलेबल है, बट आपको ये नॉर्मल मार्केट्स में ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि मेरे चैनल पर अगर मैं बहुत रीजनेबल, मतलब रीजनेबल की हाइट जो प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ 50 या 10 रुपीज़ के, वो कई बार ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जनरली चीज़ें इसे ज़्यादा कॉस्ट की ही मिलती हैं। बट रिटेल शॉप पे जाइए आपको ये मिल जाएगा। सो ये निकला हमारा काजल, और ये काजल इस तरह की पैकेजिंग में है। ऊपर एक प्लास्टिक का कवर है इसका, और ये हमारी काजल है। इसकी टिप मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही है अभी फिलहाल देखने पर, तो जो पॉइंट आई डोंट नो बहुत पॉइंटेड काजल इससे लग पाएगा कि नहीं। और थोड़ा सा मैंने निकाला है तो मुझे ये ना, ये जो इसका नीचे एक सिल्वर कलर की का चीज़ थी तो ये ऐसे ही निकला, ये थोड़ा सा इस फॉर्म में ही था। बट नेवरदलेस लेट्स ट्राई इट। सो इसको सबसे पहले अपने हाथ पे लगा के देखती हूँ मैं कैसा इसका कितना डार्क है इसका टेक्सचर। सो ये इसका स्वैच है, आई मीन स्वैच में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सेट ब्लैक इसका कलर है और लगाने में बहुत स्मूथ है। सो दिस इज व्हाट द टेक्सचर इज, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मैट फिनिश में, बिल्कुल मैट फिनिश में दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज़। अब देखते हैं कि ये कैसा लगेगा आइस पे लगाकर। थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका स्मज प्रूफ कितना है ये। तब तक मैं इसको अपनी आइस पे लगाती हूँ और देखते हैं कि क्या इससे थोड़ा स्मोकी टाइप आइस बनती है कि नहीं। अच्छा, जब भी काजल लगाए ना, मैं हमेशा, मेरा एक टिप होता है कि आप पहले कंसीलर ज़रूर लगाएं और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाएं। कंसीलर जो है वो मैंने लगा रखा है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से डैप कर देते हैं ताकि जो मॉइस्चर हो आइज़ में वो सब ठीक हो जाए और हमारा जो काजल है वो अच्छे से सेट हो जाए। कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने लगा लिया है, अब लगाते हैं हमारा काजल।
सो इस काजल को मैं देखना चाह रही हूँ क्या हम इसको आईलाइनर की तरह लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल आईलाइनर लगाना पर्सनली मुझे भी ज्यादा अच्छा लगता है काजल लगाने के मुकाबले। सो लेट्स सी, इसको ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे, फिर देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसा है। अमेजिंग गाइज, बहुत ही आसानी से ये स्प्रेड आउट हो गया है, ये मेरी आईज लग रही हैं विद दिस काजल। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे ये अच्छा लगा। इसकी टिप जो है बहुत मोटी है, तो अगर मुझे मोटा सा लाइनर लगाना है तो एक स्ट्रोक में लग गया, आई डोंट हैव टू पुट इन मैनी स्ट्रोक्स। अब जरा इसे नीचे भी लगा के देखते हैं। कैसा लग रहा है भाई काजल आईज पर? आईज आप देख सकते हैं एकदम से बड़ी लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये स्मजर लेकर इसको थोड़ा सा स्मज करके देखती हूँ ताकि और अच्छे से जो एक्स्ट्रा काजल है वो निकल जाए और ब्यूटीफुल लगे आईज। सो आई एम जस्ट डूइंग इट। ये स्मजर जो है ये वेगास का स्मजिंग ब्रश है और ये आई थिंक 50 या 60 रुपये का आता है। और इससे क्या होता है कि जो हमें स्मजिंग या स्मोकी आईज करनी है तो उससे बहुत ईजी रहता है इसे करना। सो आई एम डूइंग इट विद दिस। So these are my eyes after applying this kajal and I think मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा देखते हैं smudge proof है कि नहीं। So इसको हम exactly smudge proof नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं हल्का सा ये spread out हो गया है। But मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस पर compact powder लगाकर मैंने इसके लगाया होता तो ये इतना level नहीं होता। But best अब इसके बात करते हैं final review। तो पहले तो इसको दूसरी आई में भी लगा लेते हैं और फिर आते हैं हम अपने फाइनल रिव्यू, सुरस्वीट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है। सो गाइस, मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस काजल को लेकर है कि ये काजल का कॉस्ट एक्सेलेंट कॉस्ट, 50 रुपीज़ में बहुत बढ़िया काजल है। सेकंड, लगाने की एप्लीकेशन में बहुत स्मूथ है, बहुत ही ईजीली ग्लाइड होता है और इसका जो टिप है वो काफ़ी थिक है तो ईजिली काजल एज ए लाइनर भी लगा सकते हैं, काजल भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो इसके कॉन्स हैं वो हैं कि ये स्मज प्रूफ नहीं है। सो आपने अगर इसे लगाया है तो ये स्प्रेड हो सकता है आफ्टर सम टाइम। सो बट फिर भी मैं स्टिल आई लाइक दिस काजल अ लॉट, क्योंकि इतनी कॉस्टिंग में आपको काजल में मिल रहा है, शार्पनर में मिल रहा है और काजल का जो कलर है वो एक्सेलेंट है, एकदम जेड ब्लैक मैटिफाइड कलर आ रहा है, विच इज़ फाइन। मतलब इतनी कॉस्ट पर मुझे लगता है आई रियली लाइक दिस काजल। और मैं रियली आपको कहूँगी कि अगर आप काजल बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में लेना चाहते हैं, गो फॉर दिस काजल, बिकॉज इस काजल लगाने के बाद मुझे अपनी आईज़ बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। आई डोंट नो आपको कैसे लगती हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट में करें कि हाउ डिड यू लाइक दिस आई मेकअप। सो गाइज, ये था मेरा रीजनेबल अमाउंट का हमारा काजल जिसको मैंने टेस्ट किया आपके सामने और मैंने अपना रिव्यू दिया। If you like this video, then please एक thumbs up ज़रूर दे दें और please join the Sursuit community और मेरे channel को subscribe करें ताकि हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यार ये जो रिश्ता हमने बनाया है ना, ये बहुत special है, बहुत different है। हम लोग आपस में एक दूसरे से face to face नहीं मिलते लेकिन इतना अच्छा connection हम सबका बना हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। So guys, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, chill out रहें, हमसे जुड़े रहें। Take care, bye bye.